नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्रीनिवास कंस्ट्रक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह परिहार, आज एक बहुत ही सुंदर आपको मकान विजिट कराने लेके आया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी जो नई वीडियो है, जो नए मकान है, वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसको खरीदें। दोस्तों आइए मकान का अपन एलिवेशन देखते हैं। बहुत ही सिंपल एंड डिसेंट एलिवेशन है, टाइल्स का वर्क कर रखा है और ग्लास का वर्क कर रखा है दोस्तों इसमें। आइए अपन मकान के अंदर चलते हैं। फ्रंट में अपन देखें तो ग्रेनाइट का स्लोप लगा के दे रखा है और इधर की साइड में आपको गार्डन के लिए स्पेस छोड़ रखी है और इधर आपको ब्लॉक लगा रखी है। मकान के अंदर चलते हैं। 4 फीट का लोहे का बहुत ही अच्छा गेट दे रखा है फ्रेंड्स, और ये हमारी पार्किंग हो गई बहुत ही खुली खुली। इसमें ऊपर की तरफ आपको फॉल सीलिंग दे रखी है फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया। और इस तरफ आपको वाटर टैंक मिल रहा है जिसकी कैपेसिटी 6 से 7 हजार लीटर की है। आइए अपन घर के अंदर चलते हैं। आपके खूबसूरत घर से जाने से पहले बता दूं, वुडन की चौखट और वुडन का गेट बहुत ही अच्छा सिंपल और डिसेंट लुक में इसको दे रखा है। वाओ क्या हॉल है दोस्तों, बहुत ही स्पेशल हॉल है और बहुत ही बड़ा बना रखा है। 15x40 में इसकी जो प्लानिंग हुई है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरीके से हुई है। ऊपर आप देख सकते हैं वॉल सीलिंग का वर्क कर रखा है। इधर की तरफ आपको लोहे की बहुत ही मजबूत बार मिल रही है और पूरी ग्रेनाइट की चौखट लगी हुई है और 3-tech एल्यूमिनियम विंडो के साथ में आपको अवेलेबल है। आइए अपन घर में आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों पूरे मकान में 2x4 की टाइल्स लगी हुई है और बहुत ही सिंपल सोवर टाइल्स लगी हुई है। 15x40 में आपने अधिकतर देखा होगा नीचे भी बेडरूम दे देते हैं, वो थोड़ा छोटा छोटा लगने लग जाता है, पर इसमें आपको बहुत ही स्पेस दिख रही है। आपको मकान 15x40 का लगने वाला नहीं है क्योंकि इसमें नीचे की तरफ आपको सिर्फ हॉल और किचन मिलने वाला है। ये है हमारा किचन, बहुत ही सिंपल सोबर डिसेंट लुक में किचन बना हुआ है। आप इसको मॉड्यूलर करवा सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 बेसिन के नल लगा रखे हैं। चलिए फ्रेंड्स अब अपना वॉश एरिया देख लेते हैं। ये अपना वॉश एरिया है, इधर पाउडर रूम दे रखा है आपको। यहाँ पे वेस्टर्न सीट आना अभी बाकी है। ऊपर पूरा ओटीजीएस छोड़ रखा है ताकि उजाले के लिए आपको दिक्कत ना हो, घर में सफोकेशन ना हो। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं अपन। ये हमारी स्ट्रेस है जिसमें ग्रेनाइट का वर्क कर रखा है प्लस टाइल्स का वर्क कर रखा है फ्रेंड्स। इधर की तरफ आपको एसएस की रेलिंग मिलने वाली है। घर का काम बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है, बहुत ही सिंपल सोवर घर बना हुआ है फ्रेंड्स। ये हमारा पोर्च एरिया हो गया, इधर फर्स्ट बेडरूम, इधर सेकेंड बेडरूम। वाह क्या खूबसूरत फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर बेडरूम है, बहुत ही सुंदर बेडरूम है फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर, मजा आ गया देखने के बाद में। ये अपना फर्स्ट बेडरूम हो गया। ऊपर की तरफ बहुत ही अच्छी डिजाइन में फॉल सीलिंग दे रखी है आपको। इस तरफ आपको इसमें अटैच लेट बाथ मिल रही है जिसमें सीट अभी आना बाकी है, वेस्टर्न सीट लगेगी फ्रेंड्स। इस तरफ आप देख सकते हैं विंडो लगी हुई है, जो अपने एलिवेशन से जो दिख रही थी अपने को, वो विंडो इस तरफ लगी है लोहे की बहुत ही हेवी बार के साथ में, और 3-tech विंडो लगी हुई है फ्रेंड्स। इस तरफ अपनी बालकनी है, बालकनी थोड़ी छोटी है पर बहुत अच्छी बालकनी बनी हुई है। यहाँ पर भी एसएस का वर्क और ग्लास का वर्क कर रखा है। इस दीवार पे देखेंगे आप तो आपको टाइल्स का वर्क दिखेगा फ्रेंड्स। और कॉलोनी भी बहुत वेल डेवलप कॉलोनी है फ्रेंड्स। सड़कें भी इसकी बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, 30 फीट की सड़कें हैं। आइए अपन आगे चलते हैं, अपने सेकेंड बेडरूम को देख लेते अपन। आइए फैमिली, ये अपना बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा सा बेडरूम हो गया सेकेंड। ये भी बहुत ही सुंदर बेडरूम है,
मकान का पूरा काम बहुत ही सिंपल और डिसेंट तरीके से हुआ है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वर्क हमने कर रखा है। यहाँ पर ऊपर आपको फॉल सीलिंग मिल रही है, उस तरफ आपको दो बहुत ही खूबसूरत लाइट्स मिल रही है। इस तरफ आप देख सकते हैं, इस तरफ भी आपको 3-tech विंडो मिल रही है, पूरी ग्रेनाइट की चौखट लगी हुई है। एसी की लाइन भी हमने लगा के दे रखी है ताकि आप एसी भी लगाएं तो आपको थोड़ा पूरी करने की जरूरत ना पड़े। इसमें एक दीवार डार्क अभी आना बाकी हर कमरे में। ये अपना अटैच लेट बाथ हो गया फैमिली, इसमें भी हमने आपको फॉल सीलिंग करके दे रखी है वाटर प्रूफ, जो आपके वॉशरूम को बहुत ही अच्छा लुक देगी। आइए फैमिली अपन इसकी टेरेस देख लेते हैं। इसमें भी आपको एसएस की रेलिंग और ग्रेनाइट और टाइल्स का काम करके दे रखा है। ये फैमिली बहुत ही हेवी डोर लोहे का और ये अपना टावर हो गया। अब ऊपर से बहुत ही बढ़िया व्यू आने वाला है फैमिली, और बहुत ही अच्छी लोकेशन है और बहुत ही अच्छे लोग भी यहाँ पे रहते हैं। आपने पूरा मकान तो विजिट कर ही लिया है और इसको देख भी लिया है। आइए मैं इसके आपको लोकेशन, साइज, प्राइस सब चीजों के बारे में आपको बता देता हूँ। इसकी लोकेशन है गेट चौराहे से लगी हुई ट्रेजर फैंटेसी के पास में, कान्हाश्री कॉलोनी में इसकी लोकेशन है। इसकी साइज की बात करें तो 15x40 की इसकी साइज है और स्पेसिफिकेशन 2 BHK में अपने को मिलने वाला है ये फैमिली। और अगर इसकी कीमत की बात करें तो कीमत भी बहुत शानदार है, बहुत ही अच्छी कीमत में अपने को बहुत अच्छी चीज मिल रही है। ओनली फॉर मात्र 45 लाख रुपए में आप इस मकान को अपना बना सकते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और हमको मोटिवेट करें ताकि हम इसी तरह आपको नए नए मकान आपको दिखाते रहें फैमिली। और विजिट प्लान अगर आप कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उसमें आप कॉल लगा के हमारे पास विजिट के लिए प्लान कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री श्याम।